नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। की गुना से शर्मनाक मामला सामने आया, जहां आजादी के बाद से लेकर आज तक दलितों को शमशान घाट तक मुहैया नहीं हुआ। इन्हीं परिजनों की मौत के बाद खुद ही सारा इंतजाम करना होता है। ऐसा एक मामला जिले के बासाहेड़ा गांव में देखने को मिला। यहां 45 साल की एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों को न केवल चीता के लिए जरूरी चीजों बल्कि टीन की चादरों से लेकर शेड तक की व्यवस्था खुद करनी पड़ी। महिला के शव को टायर और डीजल से जलाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बासाहेड़ा गांव की 45 साल की महिला रामकन्याबाई हरिजन की शुक्रवार सुबह 10 बजे मौत हो गई, लेकिन तेज बारिश के चलते परिजनों ने मृतक का शव 1.5 घंटे तक घर में ही रखा। जब बहुत देर तक बारिश बंद नहीं हुई तो परिजन और गांव वाले शव को लेकर शमशान घाट पहुंचे। बता दें कि यहां तक आने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से आना पड़ता है। इसकी वजह से कई बार शव के गिरने की डर बना रहता है। गांव वाले जब राम कन्या का शव लेकर शमशान घाट पहुंचे तो यहां न कोई टीन शेड था और न ही कोई चूल्हा जिस पर शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। ऐसे में लोगों ने गांव से 2 टीन की चादरें मंगवाई, वो जैसे तैसे चीता तैयार की। चूंकि बारिश में लकड़ियां गीली थी तो कुछ लकड़ियां के नीचे टायर रखकर जलाए गए तब आग पकड़ सकी, जिसके बाद शेड के रूप में 10 से 12 गांव वाले खुद खड़े हो गए। उसके बाद महिला का डीजल डालकर अंतिम संस्कार किया जा सका। ग्रामीणों ने बताया कि आज तक उनके गांव में शमशान घाट नहीं बना है, उन्हें हर बारिश में इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। गौरतलब है कि यह दलित बहुल इलाका है, यहां दलित समुदाय के 1000 से अधिक परिवार निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि बारिश में पंचायत की तरफ से भी कोई मदद मुहैया नहीं कराई, इसके चलते डीजल और टायरों से चीता को जलाया जाता है। गांव वालों ने कहा कि राजनेता और अधिकारी मंचों से बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत उल्टी है। तो ये थी सबकी अपडेट। इसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।